सभी को नमस्ते, राधे राधे। सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास में क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार को पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। चित्रकार क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का जन्म कब हुआ? सन 1891 ईस्वी में निमतीता, या इसी को निमटिया बोलते हैं, निमटिया या निमतीता नामक स्थान पर हुआ। और यह स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में कहां? प्रयागराज में। इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में प्रयागराज में होती है। एक आजकल प्रश्न का बड़ा प्रचलन है कि क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का समय था, ऐसे भी करके प्रश्न बन रहे हैं। तो क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का समय कितना हुआ? ये 1891 से लेकर 1975, ये इनका समय हो गया, ऐसा प्रश्न बन रहा है। अभी उड़ीसा का पेपर हुआ 10 तारीख को उड़ीसा का पेपर हुआ, जिसमें 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो नए होंगे, बाकी टोटली प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, एकदम हूबहू लाइनें आई हैं। इसको मैं क्लास में आपको बहुत जल्द, जो क्लास हमारी चल रही है 2009 से आए हुए प्रश्नों की, उनमें मैं सॉल्व बहुत जल्द कराऊंगी और आप देख पाएंगे। नया पेपर है बिल्कुल, अभी नेट का एग्जाम हुआ, उसको भी सॉल्व कराना है उसी क्लास में। और अभी आपका चंडीगढ़ का पेपर बाकी है, तो मान के चलिए आपकी परीक्षा से पहले आपको 3 परीक्षाएं देखने को मिली हैं। 3 परीक्षाओं के रिजल्ट्स आपको देखने को आपकी ही क्लास में मिलेंगे, बहुत बेहतरीन क्लासेस। एक बात मैं बता दूं कि आर्ट गंगा से अच्छा चैनल और क्लास कोई है नहीं, चाहे कितना भी कोई कह ले, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह नकल है और यहाँ नकल नहीं है। यहाँ जो है मेहनत है, ईमानदारी है, अथक परिश्रम है, प्रयास है, एक कुछ नया करने का एक जुनून है, ये है यहाँ पे। और नकल कभी सफलता नहीं दिलाता है, आपको कुछ पायदान तो चढ़ा देगा लेकिन सफलता नहीं दिलाएगा। और एक बात, यदि कोई आपसे, कोई भी टीचर, कोई स्टूडेंट कुछ भी आपसे ऐसा कहता है कि मैं आपको ये करा दूंगा, आपका ये काम कर दूंगा, मैं डायरेक्टली मैं खुलकर यहाँ नहीं बोल रही हूँ, तो आप तनिक उसके विषय में भी ये बात सोच लीजिएगा कि यदि वो आपका करा सकता है तो अपना क्यों नहीं करा पाया। जिस दिन ये विचार आप कर लेंगे, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आप किसी के भ्रम में नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे। इतना जरूर कोशिश करिएगा समझने की, यदि कोई भी आपको कहता है, कोई टीचर कहता है कि हम सिलेक्शन बैच चला रहे हैं और हमारी फीस 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए है, और आप आके पढ़िए, निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका होना तय है। आप उसके बैकग्राउंड को देखिएगा, उसके इतिहास को देखिएगा, क्या वास्तव में वो, उसका खानदान, उसका परिवार सेलेक्ट है? यदि है तब एडमिशन ले लीजिएगा, और यदि नहीं है तो कभी अपना समय और पैसा बर्बाद मत करिएगा। और ये बहुत तेजी से रैकेट चल रहा है प्रयागराज में,
कि इतना इतना फीस, दो दो ढाई ढाई लाख फीस रुपए, बताइए बहुत, मतलब हम तो सुन के दंग रह जाते हैं कि 2.5 लाख में क्या पढ़ाएंगे आप और 4,000 में क्या पढ़ाएंगे, इतनी फीसेस है लोगों की, और सिर्फ किस नाम पे, सिलेक्शन के नाम पे, और इतना नकल, इतना नकल, मेरे किताबों की नकल, मेरे कॉपी की नकल, मेरी क्लासेस की नकल, कितना भी कर लोगे तब भी हम सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि मेहनत की नकल नहीं कर पाओगे। कोई भी टीचर हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हो, मेहनत की नकल कभी कोई कर ही नहीं सकता, और मेहनत की नकल जिसने कर लिया उसे दूसरे के मंच पे पढ़ाने का कोई शौक नहीं रहेगा, वो खुद का मंच तैयार करेगा, इतना दिमाग में बैठा जरूर लेना। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की, इनकी शिक्षा कहाँ हुई है। तो जब हम बंगाल शैली के कलाकारों को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी शिक्षा कहाँ होगी, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा होगी। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा हुई, और जब यहाँ पे शिक्षा हुई और बंगाल शैली के कलाकार हैं तो इनके गुरु होंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने शिक्षण कार्य इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में पहले किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में किया, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये कार्य 18 वर्ष तक किया। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बहुत कम समय के लिए कार्य किया है, ऐसा कतई नहीं है, इन्होंने 18 वर्ष अपने आप के वहां पे समर्पित किए, वहां सेवा की। इसके बाद में ये कहाँ चले आते हैं, अमरनाथ झा के प्रयत्नों से चले आते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और वहां पर ये शिक्षण कार्य करते हैं। तो कहाँ आते हैं, प्रयागराज में आते हैं, प्रयागराज में कहाँ, विश्वविद्यालय में। और किसके कहने पर आते हैं, उस समय कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर अमरनाथ झा, इनके कहने पर, इनके प्रयासों के से ये चले आते हैं प्रयागराज में। दोनों प्रश्न अच्छे बनते हैं। फिर अगला प्रश्न बनता है इनसे कि ये कब प्रयागराज आते हैं, तो 1942 ईस्वी में ये प्रयागराज आते हैं, और पूरे समय के लिए ये प्रयागराज में ही बस जाते हैं, और यहाँ तक कि इनकी मृत्यु भी प्रयागराज में ही हो जाती है। अब इतने लंबे समय का जो कार्यकाल इनका रहा है वो प्रयागराज में था, तो इन्होंने बहुत से काम प्रयागराज में किए। अब कौन कौन से कार्य किए ये देख लेंगे। इन्होंने यहाँ पर प्रयागराज में ही 1 सितंबर 1942 में ये चित्रकला विभाग की इन्होंने स्थापना की। जैसे ही आए 1 सितंबर 1942 में ही इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी में चित्रकला डिपार्टमेंट खोला।
चित्रकला विभाग की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। कब किया? 1 सितंबर 1942 को किया। एक अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बनता है। अब बात करते हैं इनके उपनाम की। इनको संत चित्रकार कहा जाता है, संत चित्रकार। संत चित्रकार कहने का कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना ही था संत चित्रकार कहने का कि ये स्वभाव से भी संत थे और इनके विषय भी धार्मिक थे, इसलिए इनको संत चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संत चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको भावों का सम्राट कहा जाता है, भावों का सम्राट। भावों का सम्राट क्यों कहा जाता है? इनके चित्र में भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको भावों का सम्राट कहा जाता है। इनको कवि हृदय कलाकार कहा जाता है। कवि कलाकार असित कुमार हल्दर को कहा जाएगा, कवि हृदय कलाकार क्षितिनाथ मजूमदार को कहा जाएगा। इनको कवि हृदय कलाकार के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी भी चित्रों में एक तरीके की कविताएं दिखती थी। कवि हृदय कलाकार कहा जाता है इनको। इनको इनके ही गुरु कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से इनको नाम दिया। तो चैतन्य सिद्ध कलाकार, इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार किसने कहा? इनके ही गुरु अवनी बाबू ने, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा? चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा। क्यों कहा? चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के थे और इन्होंने उन पर आधारित चित्रों को बनाया था, इसीलिए इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इनका चित्रण विषय क्या था और इनका माध्यम क्या था। तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का चित्रण विषय क्या था? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का चित्रण विषय था धार्मिक पौराणिक। धार्मिक पौराणिक एक ही बात है। और प्रेम संबंधी ग्रंथों को भी इन्होंने चित्रित किया है, जैसे गीत गोविंद। प्रेम संबंधी ग्रंथ गीत गोविंद को भी इन्होंने चित्रित किया है और धार्मिक ग्रंथों में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चित्रित किया। और चैतन्य महाप्रभु को चित्रित किया और कुछ चित्र इन्होंने बनाए भागवत पुराण के। और एक प्रश्न आया था 2016 या 21 में आया था कि भागवत पुराण किसकी कहानी है। तो किसकी कहानी है? भगवान श्री कृष्ण की कहानी है। तो इन्होंने कृष्ण को भी चित्रित किया है और चैतन्य महाप्रभु को भी चित्रित किया है। अब इनका माध्यम देखा जाए, इनका माध्यम क्या है? तो इनके माध्यम में वॉस है। इनका जो प्रमुख माध्यम है वो वॉस है
और इन्होंने एक नई तकनीक वॉस में टेम्परा का प्रभाव दिखाने के लिए ये जाने जाते हैं। नोट करके लिखिएगा, वॉस में टेम्परा का प्रभाव, वॉस तकनीक में वॉस में टेम्परा तकनीक का प्रभाव दिखाने के लिए भी क्षितिनाथ मजूमदार जाने जाते हैं। इनका कथन था, मैं रेखाओं पर अधिक ध्यान देता हूँ क्योंकि यही चित्रण का आधार है।